31 का सभी को इंतजार रहता है। आज हमारे साथ एक पूरी ग्रुप आया है रांची से और बात करते हैं 31 की मुंबई नाइट के बारे में, जो परसों जो हादसा हुआ है उसको लेकर मुंबई में कैसे बंदोबस्त है, क्या रेस्टोरेंट वगैरह के बारे में। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची झारखंड से आया हूँ। तो आप कितने लोग आए? हम लोग यहाँ 4 लोगों का ग्रुप था, 31 का प्लान बना के आया था। तो अभी थोड़ा निराशा हो रहा क्योंकि जैसा पहले इजी वे में अवेलेबिलिटी मिल जाती थी बहुत सारे होटल में, अभी मुश्किल जा रही है कि बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा जा रहा है, वो उसके वजह से थोड़ा सिक्योरिटी मतलब कंफ्यूजन है पब्लिक के मामले में, कहाँ पे अवेलेबल रहेगा कहाँ पे नहीं है, मतलब इसी तरह खोजते खोजते वक्त चला जा रहा है। परसों जो कमला मिल कंपाउंड में हुआ, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं कि पब्लिक को इसके बारे में क्या कहना है। परसों जो हुआ कमला मिल कंपाउंड में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? दुखी है मेरा, मतलब शोक है परिवार के साथ, जिनके साथ भी हादसा हुआ, वो लोग सेलिब्रेट करने आए थे, इनका इसमें उनको लोगों का कोई गलती नहीं था, वो हम लोग भी जाते हैं बैठ के कहीं पे सेलिब्रेट करने, महीने का फ्रेश मतलब वर्कआउट चिल आउट करने के लिए, उसमें ऐसा हादसा हुआ तो वो परिवार वालों के बारे में सोचिए, वो लोग सोचे नहीं होंगे कि इतना बड़ा हादसा होगा। अफसोस है, उनको हमदर्दी है उन सारे परिवार के साथ जिसके साथ भी ये हादसा हुआ। हम आपको बता दें कि BMC ने कुछ पहल की है, कुछ रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की है। आपको मालूम है मुंबई के रेस्टोरेंट में कुछ तोड़फोड़ की गई है, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है? बिल्कुल, या अगर आप देखा जाए तो ये BMC जो ये काम कर रही है, देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन जो ये हादसा हुआ है, क्योंकि अभी कैसा आपको ही मालूम है, अभी नया साल है, हर किसी को शौक रहता है कि घर पर जाए इंजॉय करे, तो उसमें कैसा है कि वो भी फैमिली है जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से बॉम्बे पहले से लोग नए साल की सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं, तो मेरे ख्याल से जिनके फैमिली में यह हादसा हुआ है तो वो लोग भी कैसा है कि वो 1 वीक पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और इन ऑफ द डे जब ये टाइम आया एंजॉय करने का तो उनके घर में ऐसा हादसा हो गया, तो ये काफ़ी दुखद घटना है, और इसके लिए हम लोग भी काफ़ी मतलब गॉड से प्रे करेंगे कि जो भी हुआ दोबारा ऐसा ना हो। और जो BMC कर रही है, देखा जाए तो ठीक ही है, जो इलीगल जो डिपार्टमेंट वगैरह है वो ना हो, नहीं होगा तो बेस्ट रहेगा। वो अगर आपको पहले मालूम पड़ता है कि हादसा हो गया तो शायद आप इस टिकट को कैंसिल करा सकते थे। या ऑब्वियसली ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, अगर हमें ये पहले से मालूम होता तो मे बी हम लोग यहाँ पे नहीं आते, और जो हम लोग का जो एक्साइटमेंट था यहाँ पे आने का, तो वो हम लोग शायद मे बी और भी कंट्री और भी स्टेट है हम लोग वहाँ प्लान करते फिर भी ऐसा। आपके प्लान पे कितना पानी फिरा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आईडिया। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना निराश हैं आप? देखिए, कैसा है ना कि आपको ही मालूम है कि एक हमें बहुत पहले से एक शौक था कि इट्स अ बॉलीवुड, क्योंकि मुंबई का मतलब होता है बॉलीवुड, तो हम लोगों ने इस साल 2018 है, अभी कुछ टाइम बचे है आने के लिए, तो हम लोगों ने प्लान वही किया हुआ था कि चलो 2018 का हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे बॉम्बे, बॉलीवुड है यहाँ पे, आपको मालूम है ऐसा स्टूडियो है बगल में काफ़ी फेमस है लोखंड वाला, तो ये हमारे इमेजिन में आता है चलो लोखंड वाला है इंजॉय करेंगे, बट ये जो हादसा हुआ है तो इससे हमारा जो प्लान था तो काफ़ी फीका पड़ गया, मतलब उतना इंजॉय हम लोग दिल से खुश हो गए, मतलब एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि मुंबई का जो जुनून है, कुछ भी हो जाए मुंबई में, चाहे मुंबई में पहले बम ब्लास्ट हुआ, बाढ़ आई, त्रासदी आई, लेकिन मुंबई रुकती नहीं है, ये आपका क्या कहना है कि आज 31 की नाइट अच्छे से मनेगी? नहीं सर, अच्छे से तो नहीं बनेगी, दिल सभी लोगों को दिल पे रहेगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, कहीं ना कहीं सब ये लोग बोलते हैं कि मुंबई रुकती नहीं है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं मजबूरी भी रहती है, जॉब है करना है, वो रुकना एक टैगलाइन है, जिसके साथ हादसा हुआ उसकी ज़िंदगी तो रुक गई ना अभी वहाँ पे। तो हमने कुछ रांची से आए दर्शकों से बात की जो मुंबई में अपना 31 की रात बिताने वाले थे। कैमरामैन सूरज के साथ पवन भारद्वाज, BNB न्यूज़ मुंबई।